हेलो जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो है इनका फुल नेम था, एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 28 मई 1883 इन भागुर विलेज और भगूर विलेज ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। प्लीज़ अंडरलाइन दिस सेंटेंस दैट विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो नासिक डिस्ट्रिक्ट के भागुर विलेज में महाराष्ट्र में 28 मई 1883 को बॉर्न हुए थे। ही फॉस्टर्ड रिवोल्यूशनरी आइडियाज सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ये मतलब शुरुआत से ही, जब बचपन से ही जो है वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को फॉस्टर करते थे, मतलब लोगों में बढ़ाने, मतलब रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को इंक्रीज करने में जो है वो हेल्प करते थे। ही एस्टाब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला, प्लीज अंडरलाइन दिस, विच वॉज लेटर नोन एज अभिनव भारत। ठीक है, इन्होंने मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद इसका नाम आगे जाके अभिनव भारत बन गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवॉल्ट। ठीक है, तो आर्म्ड रिवॉल्ट की हेल्प से जो है वो इंडिया को फ्री करवाने का ऑब्जेक्टिव था। कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? मित्र मेला या फिर अभिनव भारत का। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। ठीक है, अब ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने जो है वो किंडल किया था फॉरेन क्लोथ्स को, मतलब उनका बहिष्कार किया था। ही एक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इन्होंने स्कॉलरशिप एक्वायर की थी, मतलब इनको स्कॉलरशिप मिली थी, एंड वेंट टू लंडन फॉर फर्दर स्टडीज़। और ये लंडन गए थे फर्दर स्टडीज़ के लिए। वीर सावरकर रॉट अ बुक टाइटल्ड 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इन्होंने इंडिया के फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के बारे में एक बुक लिखी थी। ठीक है, प्लीज़ अंडरलाइन दिस सेंटेंस, इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड। मतलब जो ये पब्लिश हुई थी ये बुक, उससे पहले इस पर बैन लग गया था, कि ये पब्लिश हुए से पहले इस पे बैन लगा गया था ब्रिटिशर्स ने। ही वॉज अरेस्टेड इन 1910 फॉर हिज एसोसिएशन विथ रिवोल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस। प्लीज़ अंडरलाइन दिस, 1910 में ये अरेस्ट कर लिए गए थे, किसके लिए? एसोसिएशन के लिए विद द रिवोल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस। उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस में भी जो है मतलब काम किया था, एसोसिएट थे, इससे भी एसोसिएटेड थे, इसकी वजह से 1910 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सावरकर वॉज सेंटेंस्ड टू टू लाइफ टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट इज ऑफ 50 ईयर्स एंड वॉज मूव्ड टू द सेल्युलर जेल इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो वीर सावर को जो है वो दो बार जो है वो जेल हुई थी, 2 लाइफ टाइम्स ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, दो बार जो है वो इनको इम्प्रिजनमेंट मिला था। एक तो जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो है वो इनको मूव किया गया था, 50 ईयर्स तक एक जगह पर रखा गया, एंड वॉज मूव्ड टू द सेलुलर जेल इन द अंडमान निकोबार। ठीक है, 50 ईयर्स तक को इनको एक जेल में रखा गया, उसके बाद इनको एक सेलुलर जेल में रखा गया जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे थी। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरलाइन करो द सेंटेंस दैट वीर सावरकर वॉज सेंटेंस टू 2 लाइफ टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट इज ऑफ 50 ईयर्स एंड वॉज मूव्ड टू द सेलुलर जेल इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट वॉज ऑल्सो नोन एज काला पानी। ये जो मतलब जेल हुई थी इसको काला पानी के नाम से जाना जाता है। लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वॉज कैप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब उनकी हेल्थ जो है वो पुअर हो गई थी, इसलिए उनको काला पानी वाली जेल में या सेलुलर जेल में नहीं रख सकते, इसलिए इन्हें जो है वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में किसी एक हाउस में अरेस्ट करके रखा गया।
वीर सावरकर डाइड ऑन 26 फरवरी 1966। प्लीज अंडरलाइन दिस। नाउ खुदीराम बोस के बारे में हम स्टडी करेंगे। खुदीराम बोस जो थे उनका बॉर्न हुआ था ऑन 3 दिसंबर 1889 इन विलेज हबीबपुर ऑफ द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरलाइन करो। जो खुदीराम बोस है इनका जन्म कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर कब और कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर 1889 को विलेज हबीबपुर ऑफ द मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट एंड बंगाल स्टेट। ओके, ही लॉस्ट हीज पेरेंट्स इन हीज चाइल्डहुड एंड वॉज रेज बाय अ टीचर नेम्ड सत्येन बाबू हु इंस्पायर्ड हिम टू बी अ रिवोल्यूशनरी। ठीक है, मतलब इनके जो मदर फादर थे वो बचपन में ही मतलब चले गए थे। ठीक है, जब ये छोटे थे बहुत, तो इनका मतलब इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? सत्येन बाबू ने किया था, जो एक टीचर थे। और उन्होंने जो है सत्येन बाबू ने खुदीराम बोस को इंस्पायर किया किसके लिए? क्रांतिकारी बनने के लिए, टू बी अ रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी बनो, इस तरह से जो है वो इंस्पायर किया था सत्येन बाबू ने खुदीराम बोस को। ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, एंड किंडल द फॉरेन क्लोथ, और उन्होंने फॉरेन क्लोथ का बहिष्कार किया था। खुदीराम बोस यूज्ड टू डाइव इन द रिवर गंगा, खुदीराम बोस ने जो है वो गंगा रिवर में डाइव किया करते थे, एंड टॉपल द बोट्स कैरिंग शाल्ट, और जो मतलब नमक लेके जो बोट जाया करती थी उनको टॉपल उलट दिया करते थे, टॉपल द बोट्स कैरिंग शॉल्ट। इन दिस वे ही यूज्ड टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉज, और सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जो सॉल्ट लॉ के रिगार्डिंग जो अनजस्ट हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसको ब्रेक करने के लिए वो क्या कर रहे थे? बोट जो बोट होती थी गंगा रिवर में उसको उलट दिया करते थे, जो शॉल्ट को कैरी करके मतलब फॉरेन कंट्री में सप्लाई करते थे उसको उलट देते थे। ऑन द 30 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की इनके एक और क्रांतिकारी फ्रेंड थे, रिवोल्यूशनरी फ्रेंड। सो ऑन 30 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस और उनके फ्रेंड प्रफुल्ल चक्की थ्रू अ बॉम्ब ऑन द हॉर्स कैरिज ऑफ जज किंग्सफोर्ड टू किल हिम। ठीक है, तो जज किंग्सफोर्ड जो है वो एक ब्रिटिशर है, उनके मतलब हॉर्स कैरिज पे जो है वो उन्होंने एक बॉम्ब फेंका था। ठीक है, किसने? प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने। सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस सेंटेंस। फ्रॉम ऑन 30 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की थ्रू अ बॉम्ब ऑन द हॉर्स कैरिज ऑफ जज किंग्सफोर्ड टू किल हिम। जज किंग्सफोर्ड सर्वाइव्ड द अटैक, पर ये अटैक से बच गए थे, बट द वाइफ एंड डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी, उनके मतलब जो लॉयर थे कैनेडी और उनकी मतलब लॉयर कैनेडी मतलब उनकी डॉटर जो थी वो एक लॉयर थी और उनकी वाइफ, वो दोनों इस अटैक में मारे गए थे। ठीक है, नाउ राम प्रसाद बिस्मिल को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।